इस वीडियो में जानेंगे विंडो 11 में श्रिंक वॉल्यूम के बारे में, किस एक ड्राइव का फ्री स्पेस दूसरे वॉल्यूम में ऐड करते हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये विंडो 11 है मेरे पास में, मैं आपको इसमें श्रिंक वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा। ये सेम स्टेप आप विंडो 7 विंडो 10 में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनमें भी ये सेम है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको विंडो की के साथ में आर की प्रेस करना है कीबोर्ड से। ये मैंने विंडो के साथ में आर की प्रेस किया तो ये रन ओपन हो गया है। इसमें गाइस टाइप करना है आपको DISKMGMT.MSC। ये टाइप करने के बाद में ओके कर देंगे। गाइस जैसे मैंने ओके किया ये विंडो खुल के आपके सामने आ जाएगी। इसमें गाइस आपको जैसे ये डी ड्राइव है, मान लीजिए मैं सी ड्राइव है, इसमें मेरे पास में कुछ स्पेस बचा हुआ है और मैं चाहता हूँ ये सी ड्राइव का जो स्पेस है वो डी ड्राइव में ऐड कर दूँ। तो इसके लिए गाइस श्रिंक वॉल्यूम आप काम में ले सकते हो। तो दोस्तों जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा सी ड्राइव के, जिस ड्राइव से आपको स्पेस निकालना है उस ड्राइव में ऐड करना है। तो गाइस जैसे सी ड्राइव है, इसमें मेरा फ्री स्पेस है, मैं चाहता हूँ डी ड्राइव में ऐड हो जाए। तो इसके लिए आपको सी ड्राइव पे राइट क्लिक करना है, उस पर श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये टाइम लेगा, कैलकुलेट कर रहा है कि कितना इस पर ऐड करने लायक फ्री स्पेस है। तो वो अभी ये यहाँ पे शो कर देगा। गाइज ये करने के बाद में इसने कुछ कैलकुलेट करके ये फ्री स्पेस बता दिया है कि 50,406 MB इसमें फ्री स्पेस है। तो मैं चाहता हूँ पूरा ऐड ना करके कुछ जैसे 5 GB में। दोस्तों आपको ओनली ये, आप इसमें स्पेस ज़्यादा भी डाल सकते हो, मैं आपको ओनली एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे मैं 5 GB के ये मैं स्पेस ले रहा हूँ और मैं इसको श्रिंक कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख पा रहे हो ये श्रिंक हो रहा है और यहाँ पे 200 MB है और यहाँ पर 9.75 GB था। तो ये जो 5 GB के समथिंग जो अलोकेटेड स्पेस निकल के सामने आया है। तो गाइस इसको आप या तो नया वॉल्यूम बना लीजिए या आपको इसमें जो बचा हुआ है इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए डी ड्राइव में। कुछ भी अगर डी ड्राइव में आपको जैसे ऑलरेडी ड्राइव बना हुआ है उसमें ऐड करना है तो आपको एक्सटेंड वॉल्यूम करना पड़ेगा। और आप चाहे तो इसको सेपरेट नया वॉल्यूम भी बना सकते हो। नया वॉल्यूम बनाने के लिए इस पर जो खाली स्पेस बचा हुआ है इस पर न्यू सिंपल वॉल्यूम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में गाइस नेक्स्ट करेंगे, जो फ्री स्पेस है उसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी ड्राइव लेटर है आप असाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। इसने डिफॉल्ट ई लिया है तो मैं ई रहने दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद में आप फाइल सिस्टम अगर चेंज करना है फिर 32 मैं NTFS रखूँगा जो नया फाइल सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। गाइस देख पा रहे हो ये एक नया वॉल्यूम बन चुका है, ये ई ड्राइव नाम से एक नया वॉल्यूम बन गया है। तो गाइस आप देख पा रहे हो ये एक नया वॉल्यूम बन चुका है ई ड्राइव से। गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, ऐसी टेक्निकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।